हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। अगर आप फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो या आपके लिए बहुत टफ लगता है तो आज का वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आप फार्माकोलॉजी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ये आपका फेवरेट या तो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, तो भी ये आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा क्या है इस वीडियो में जो जिसको पसंद नहीं है उसके लिए भी और जिसको पसंद है उसके लिए भी काम आने वाला है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको फार्माकोलॉजी पसंद नहीं आती, इसके पीछे कारण यह है कि फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आती। और समझ में नहीं आती इसका मतलब है कि जिस बुक को भी आप प्रिफर कर रहे हो वो शायद आपको वो पूरी चीजें समझा नहीं पा रहा होगा। तो आज के वीडियो में आप मल्टीपल बुक के ऑप्शंस देखोगे जहां से आप अपने स्विचेस के हिसाब से जाकर देख सकते हैं कि ये बुक आपके लिए अच्छा है क्या। उससे समझ में नहीं आए तो दूसरा बुक आप देख सकते हो। तो कोई ना कोई बुक तो आपको पसंद आएगी और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको फार्माकोलॉजी पहले से पसंद है तो भैया हम जिसको पसंद करते हैं उसके बारे में तो और जानना चाहते हैं, तो आपके पास और भी ऑप्शन नजर आ जाएंगे आज की वीडियो में कि आपके पास जो किताब है इसके अलावा और कौन कौन सी किताब है जिसे आपने नहीं देखा है और इसको आपको देख के पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लिस्ट ऑफ बुक्स की, फार्माकोलॉजी बुक की, जिसका यूज मैंने लेक्चर बनाने में फार्माकोलॉजी 1, 2, 3 में किया है और आने वाले समय में फार्माकोलॉजी के और भी वीडियोस जब मैं अपलोड करूंगा तो उनको भी बनाने के लिए यूज करने वाला हूं। ये अब तक जो मेरे पास पर्सनल कॉपी है, ये मेरी खुद की पर्सनल कॉपी है, इनकी है रिव्यू शॉर्ट में कि क्या क्या बुक्स अवेलेबल है। फ्यूचर में अगर मैं और बुक्स मंगाता हूं फार्माकोलॉजी से रिलेटेड तो उनके उस वॉल्यूम का मैं अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले तो क्लियर कर दें कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो है जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं कौन कौन से बुक को प्रीफर करता हूं। और सारे बुक को मैंने बहुत सफाल करके रखा हुआ है, प्लास्टिक की लेमिनेटेड कवर लगा के रखी हुई है क्योंकि मैं बुक से बहुत प्यार करता हूं और खास करके फार्माकोलॉजी से। तो आज की बुक की रिव्यू में कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि जो बुक मैं पहले दिखा रहा हूं वो टॉप वन है, जो लास्ट में दिखा रहा हूं वो आखिरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक को मैंने अपने एक टेबल के ऊपर जमाया है तो डेफिनेटली उनके साइज के हिसाब से जमाया ताकि जमने में आसानी हो। तो सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है, इट्स अप टू यू कि आप किसे पसंद करते हैं। जो पहली बुक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं यह फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बाय पद्मजा उदय कुमार और यह CBS पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पब्लिश किया गया बुक है। यह अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो डेडिकेटेड है फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, बट डोंट वरी अगर आप MBBS के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सेम कंडीशन में, यानी कि सेम ऑथर और सेम पब्लिकेशन हाउस से सेम बुक आती है फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट। हालांकि दोनों बुक में फार्मेसी स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 है, सारे कंटेंट, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें एक जैसी ही हैं, कलर बस बुक के कवर का अलग अलग है, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम। ये बुक इसलिए खास है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी ईजी है। अगर आप फार्मेसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो आप डिप्लोमा के बच्चे हो, डिग्री के बच्चे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए गए हैं, बहुत ही बारीकी से चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। एक बार दो बार अगर आप चीजों को पढ़ोगे तो जानकारी आराम से समझ में आ जाएगी क्योंकि लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज इसकी बड़ी इजी है। इसके बाद हम दूसरे बुक के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने कहा सीक्वेंस में मत जाइएगा, केवल बुक पे देखिएगा, वो तो मैंने जमाया इस हिसाब से। दूसरी बुक है जिसके बुक की रिव्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो फार्माकोलॉजी का पसंद करते हैं या फार्माकोलॉजी को स्टडी करते हैं अपने सब्जेक्ट में, उनके पास ये बुक तो होती ही है। यह है KD त्रिपाठी की लेटेस्ट, यानी कि आज की वीडियो के डेट में ये 8th एडिशन है और ये बुक ऐसी है जिसमें आपके पूरे फार्माकोलॉजी कवर हो जाएंगे। मतलब एक प्रकार से कह लीजिए कि ये ग्रंथ है हम स्टूडेंट्स का जो फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, ये एक कॉमन बुक है जो हम सबको जोड़ के रखता है फार्माकोलॉजी से। इसमें पूरी डिटेल से डिटेल, मतलब समंदर की गहराई तक जितनी हो सकती है फार्माकोलॉजी के रेस्पेक्ट में, उतने अंदर तक जाकर के आपके कॉन्सेप्ट को डायग्राम, फ्लो चार्ट सिंपल से तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों को इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है, वो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, एटलीस्ट दो बार आपको पढ़ना पड़ता है। तो दैट इज डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी को समझ में बहुत जल्दी आ जाती है, किसी को लेट से आती है। इसके डायग्राम भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है जो थोड़ा सा टाइम लेता है समझने के लिए, बट फिर भी हम इसको यूज करते हैं। तो यह था सेकेंड बुक ऑफ फार्माकोलॉजी विच इज KD त्रिपाठी फार्माकोलॉजी 8th एडिशन, जो कि JP पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया है। आगे बात करते हैं तो हमारे एक और बुक के बारे में बात कर लेते हैं। यह आपको फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स सतोस्कर की बुक है और एल्सेवियर पब्लिकेशन के हाउस की तरफ से यह बुक है। यह बुक डिटेल से है, जैसे KD त्रिपाठी में सब चीजें डिटेल से हैं, वो भी इसमें डिटेल से है। यह इसका लेटेस्ट एडिशन है। इसके पहले के एडिशन का जो कलर था आपके बुकलेट का वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का था, अब यहां पे आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। कलर केवल चेंज नहीं हुआ है, इसके अंदर के कंटेंट भी चेंज हुआ है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसमें चार्ट को ऐड किया गया है कि आप किसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं।
साथ साथ इसमें जो बेसिक हाईलाइट है वो आप पैराग्राफ के बीच में देख सकते हैं। इसे मैंने कोई हाईलाइटर से हाईलाइट नहीं किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट है। जो चीजें इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है उनको इन्होंने हाईलाइट करके दिया हुआ है और कॉन्सेप्ट को टेबल बॉक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। लैंग्वेज भी इजी है, डायग्राम भी थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर बुक्स। तो ये एक बुक है जिसको हम देख सकते हैं फार्माकोलॉजी के रेस्पेक्ट में। तो ये है सतोस्कर की फार्माकोलॉजी बुक, तीसरी बुक हो गई ये। चौथी बुक के बारे में आते हैं तो ये बुक है आपका फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट। ये मेडिकल ग्रेजुएट लिखा जरूर है बट इट डजंट मीन कि ये वही बच्चे पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी सबके लिए सेम होती है, तो फार्मेसी वाले हो या फिर आप एमबीबीएस वाले हो, बीएमएस वाले हो, नर्सिंग वाले हो या किसी भी डिसिप्लिन के हो, अगर फार्माकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो आप किन्हीं से भी बुक को यूज कर सकते हो। ये मत देखिए कि लिखा हुआ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ये कॉलेज कॉन्सेप्ट सब कुछ एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे है फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट बाय तारा वी सबंग। ये थोड़ी सी रिव्यू वाली बुक है, मतलब डिटेल में आपको चीजें नहीं मिलेंगी, शॉर्ट रिव्यू है। अगर आप लास्ट मोमेंट में किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं, तो इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। इस बुक में आपको रे डायग्राम मिलेंगे, मतलब सिंपल सिंपल डायग्राम मिलेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं मिलेगा और ना ही कोई कलर डायग्राम मिलेंगे। बट लास्ट मोमेंट में अगर आप तैयारी करना चाहते हो स्पेसिफिक किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बुक आपके लिए यूजफुल हो सकती है। बट टेक्स्ट बुक की तरह से ये अपन यूज नहीं करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे एज ए रिव्यू बुक या फास्ट रिव्यू बुक। इसके बाद आती है वन ऑफ माय फेवरेट बुक के बारे में, और ये है आपका पी जगदीश प्रसाद। जितनी बुक आप देख रहे हैं मेरी सारी की सारी पर्सनल कॉपी है, मैं खुद इनका यूज करता हूं। ये एक ऐसा बुक है जिसका जो पहला एडिशन था उसका नाम था कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी, और मैक्सिमम मेरे स्टार्टिंग की वीडियो में आप देखते होंगे रेफरेंस में जब बात करता हूं तो मैंने बोला है कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी। बट अब ये सेकंड एडिशन में इसका नाम चेंज हो गया है और ये है आपका टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय जगदीश प्रसाद। ये बुक अगर आप परचेस करते हैं तो आपको कोई भी पछतावा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे कंटेंट बहुत डिटेल में है, बहुत इंपॉर्टेंट, टेबल फ्लो चार्ट, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल डायग्राम, ईच एंड एवरीथिंग इज ट्राइड टू बी सो सिंपल जिससे कोई भी बच्चा चाहे फार्मेसी का हो, चाहे एमबीबीएस के हो, चाहे किसी भी डिसिप्लिन के हो, आसानी से चीजों को ग्रास कर सके। तो ये मेरी तरफ से एक आपके लिए रिकमेंडेबल बुक हो गई, आप इसे देख सकते हैं, परचेस भी कर सकते हैं, आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला, ये मैं पर्सनल आपको बोल सकता हूं एक्सपीरियंस से। फिर भी लास्ट में कहूंगा कि आपकी चॉइस है, आप सोच सकते हैं। बट अगर आपको फार्माकोलॉजी से डर लगता है तो आपने जो पहला बुक देखा था आपका पद्मजा उदय कुमार का, वो आप देख सकते हैं और ये पी जगदीश प्रसाद देख सकते हैं, आपका डर ना काफी कुछ कम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रिसेंटली लॉन्च और वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक में से एक, जो कि अभी काफी ज्यादा यूज हो रहा है, काफी ज्यादा स्टूडेंट द्वारा परचेस किया जा रहा है। यह है आपका टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी। इन सब में से काफी सारी बुक्स की रिव्यू हमने करी हुई है डिटेल से, तो अगर आप इंडिविजुअल बुक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ सकते हैं। ये जो भंडारी की किताब है वो काफी अच्छी है, ये काफी इसमें जो डायग्राम्स है वो काफी अच्छा यूज किया गया है। ये सील पैक है अभी फिलहाल बुक गिव अवे के लिए है, तो आपको इसको मैंने ओपन नहीं किया बट ओपन करके मैंने रिव्यू करी हुई है। तो उसमें आप कलर डायग्राम देख सकते हो, लैंग्वेज बहुत ईजी है। हाँ, डीप में आपको नहीं मिलेगा, आप जो भी टॉपिक देखना चाहते हो उनके ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर कर देंगे बट डीपर साइड में आपको नहीं मिलेगा। और ये बुक काफी ज्यादा यूजफुल होगी अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, तो फार्मेसी वाले भी इसे देख सकते हैं बट प्रेफरेबल ये एमबीबीएस वालों के हिसाब से है। तो ये बुक भी बहुत ही अच्छी है, इसको भी आप देख सकते हो, लैंग्वेज बड़ी ईजी है। इसके बाद बात करते हैं, जब मैं एम फार्मा में था तो मेरी पूरी एम फार्मा की पढ़ाई फार्माकोलॉजी में जिसके थ्रू हुई थी, ये था आपका लिपिन कॉर्ड इलस्ट्रेटेड रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी। ये डिटेल बुक है, इसमें आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट डायग्राम के साथ एक्सप्रेशन के साथ सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मिल जाएगा। ऑल्दो ये फॉरेन राइटर्स की बुक है बट लैंग्वेज इसका बहुत ही सिंपल है, आप इसको दो बार पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन है कि इसमें कोई भी जो टॉपिक है बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं मिलेगा, जितना कि आपको केडी त्रिपाठी में डिटेल मिलेगा उतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा। पी जगदीश प्रसाद में भी काफी डिटेल से दिया गया है, तो कंपैरेटिवली दोस टू बुक्स इसमें डिटेलिंग नहीं मिलेगी बहुत ज्यादा, बट जितना भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है बहुत इजी लैंग्वेज में है। तो ये भी एक मेरी तरफ से सजेशन है कि आप ये देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं एक और बुक का, जो कि उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल डेडिकेटेड है जो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को फोकस रख के तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए है, या जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए है। यह है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी। ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है बट ये एक कॉन्सेप्चुअल बुक है जिसमें टॉपिक के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है और एक्सप्लेन करने के साथ साथ लास्ट में पूरे एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से
डायग्राम देखें, इसका सिंपल एक्सप्रेशन देखें, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ये है गोल्डन पॉइंट्स, ये रहा एमसीक्यूज जिसको मैंने पर्सनली यूज किया था और आपके लिए भी काफी ज्यादा सजेस्ट करूंगा। तो अगर आप कॉमर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके इस बुक को परचेस कर लीजिए। ये तो पुराना एडिशन है मेरे पास, इसका लेटेस्ट एडिशन आप चेक कर लें, वो भी आप हमेशा लेटेस्ट से प्रीफर करें, तो ये बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिकमेंडेबल है। तो आज के बुक रिव्यू को शॉर्ट करते हैं कि कौन कौन से बुक मेरी तरफ से आपको सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक आंख बंद करके खरीद लेना चाहिए। अगर आप जनरल पर्पस बी फार्मा डी फार्मा के स्टूडेंट हैं और आपकी कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीजों को समझना चाहते हैं तो पी जगदीश प्रसाद की बुक आप आराम से आंख बंद करके खरीद सकते हैं। और अगर आप बेसिक चीजों को ओवरऑल ओवरव्यू करते हुए देखना चाहते हैं विद स्पेसिफिक डायग्राम तो भंडारी की ये बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा कमजोर फील करते हैं अपने आप को फार्माकोलॉजी के रेस्पेक्ट में, तो आप ये जो लास्ट वाली बुक मैंने आपको बताई तब शुरू वाली जो बुक बताई थी, ये फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट, इसको आप आराम से ले सकते हैं। डिग्री और डिप्लोमा दोनों के काम आएगी, बट अगर आप बहुत ज्यादा डरते हैं फार्माकोलॉजी से तो पहली बुक इसी को देखिएगा ताकि आपका डर काफी हद तक जा सके। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फ्यूचर में कभी मैं और बुक्स परचेस करता हूं तो उनका एक एडिशनल वॉल्यूम के रूप में आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको चीजें कैसी लग रही हैं और आप क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियोस रिगार्डिंग बुक्स से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए वो कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर के आऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करिए, सारे फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करिए। थैंक यू अगेन, टेक केयर।